नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मई सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को कोरोना की दूसरी व तीसरी लहर को लेकर चेताया है। श्री गहलोत ने कहा कि अगर कोरोना को लेकर नहीं संभले तो बस मीटिंग ही करते रह जाएंगे। जनता साथ नहीं देगी तो कुछ नियंत्रण में नहीं रहेगा। वहीं वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्र के प्रति अशोक गहलोत का नरम रुख दिखा। उन्होंने कहा कि अटल जी व मनमोहन जी के बाद मौजूदा सरकार ने भी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। कोरोना को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले साल पीएम श्री मोदी ने 6 से 7 बार सीएम से बात की थी। इस बार भी अब उसी कॉन्फिडेंस से मैदान में उतरे हैं। दूसरी लहर के बारे में पता होता तो शायद पीएम वैक्सीन को प्राथमिकता देते। वहीं श्री गहलोत ने पीएम श्री मोदी को लॉकडाउन लगाने की भी सलाह दी है। पंजाब के होशियारपुर में गत 22 अप्रैल को थाना बुल्लोवाल में अंतर्गत गांव सीकरी अड्डे में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए जिला पुलिस ने मृतका मनप्रीत कौर के छोटे भाई व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयोग किया रिवॉल्वर व 3 गाड़ियां बरामद की हैं। एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने बताया कि खडियाला सेनानिया निवासी मनप्रीत कौर की हत्या के आरोप में उसके छोटे भाई हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी निवासी शेरपुर तखतपुरा थाना जीरा फिरोजपुर व उसके दोस्त इकबाल सिंह निवासी देलोवाल को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि मनप्रीत कौर ने 8 वर्ष पहले परिवार की मर्जी के बिना गांव खड़ियाला सैनिया निवासी पवनदीप सिंह से विवाह किया था। भाई हैप्पी को यह मंजूर नहीं था, जिसने साजिश रचकर अपनी 32 बोर की रिवॉल्वर से 9 गोलियां मारकर उसका कत्ल कर दिया। प्रदेश में पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब 5 लाख की सहायता राशि मिलेगी। ड्यूटी के दौरान हिंसा में मृत्यु होने पर परिजनों को यह राशि दी जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से सहायता राशि के आदेश जारी हुए हैं। पहले 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। एडीजी आयोजना आधुनिकीकरण एवं कल्याण गोविंद गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों के ऑक्सीजन सिलेंडर अब सरकार को दिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार कोरोना में बढ़ती ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए 332 सरकारी स्कूलों की प्रयोगशालाओं में रखे सिलेंडर सरकार को दिए जाएंगे। राज्य परियोजना निदेशक ने सभी स्कूलों को यह आदेश जारी किए हैं। आज सोमवार से स्कूलों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाए जाएंगे। वर्तमान में 332 स्कूलों की प्रयोगशालाओं में 393 सिलेंडर रखे हैं। इन 193 सिलेंडरों में से 167 सिलेंडर भरे हुए हैं। 12 जिले के कैलवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर शाहबाद घाटी क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया, जहां कोयले से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची शाहबाद थाना पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। नागौर जिले के गच्छीपुरा के रामसिया में पुलिस टीम पर हुई पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने 4 उत्पातियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह मामले में एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। गच्छीपुरा पुलिस ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा वारदात के बाद से ही आरोपियों की तलाश में लगातार दबिशें दी जा रही थी, जिसके बाद मेवाराम सांताराम बलदेव व जयप्रकाश निवासी रामसिया को गिरफ्तार कर लिया। वह एक नाबालिग भी पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार रामसिया गांव में पुलिस उत्पातियों को रोकने गई तो आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे और जीप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। अलवर के कठुमर में पिसई गांव में खेत जोतने के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 घायल हो गए। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में करतार गुज्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका 30 वर्षीय छोटा भाई रघुराज गुज्जर भैंस चराने खेत पर गया तो सिरमौर पक्ष के लोग ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। मना करने पर लाठी फरसी व कट्टे से हमला कर दिया, जिससे रघुराज का पूरा शरीर छलनी हो गया। उसके मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर जिले के नाचना कस्बे में बोलेरो और बाइक की भयंकर भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसा देर रात आसकंद्रा गांव के पास हुआ है। सूचना पर पहुंची नाचना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।